अभी केस स्टडी देखेंगे लाइट हाउस के ऊपर है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ही ऑब्जर्व दैट बोट पी एंड बोट क्यू आर अप्रोचिंग टू लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। एक लड़का, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइट हाउस पर खड़ा है और दो बोट आ रहे हैं पी और क्यू, वो अपोजिट डायरेक्शन पर आ रहे हैं। ही फाइंड दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट पी, इसमें एक बोट पी जो पास में है, इज 45 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट क्यू इज 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट क्यू का 30 डिग्री है। ही ऑल्सो नोज दैट हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, और जो हाइट है लाइट हाउस का वो 100 मीटर है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, वो एंगल ए सी डी हो जाएगा, जो कि 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें ये जो ट्राइंगल ए सी डी है, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, टेन 45 इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी अपान सी डी, ए डी अपान सी डी। अब देखिए, सी डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो 10 45 वन होता है, तो वन इक्वल टू ए डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई सी डी। अब सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर, है ना। तो हमको सी डी का वैल्यू बड़ा आसानी से क्या मिल गया, 100 मीटर मिल गया। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लेंथ ऑफ बी डी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब ट्राइंगल ए डी बी में, तो इन ट्राइंगल ए डी बी सेम यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये, क्योंकि बी सी और एक्स वाई जो है ना, वो पैरेलल है। तो यहाँ पे टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 होगा परपेंडिकुलर है ए डी अपान बी डी। अब बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, जिसका वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई टेन 30, और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी डी का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 100√3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में।